तो कैसे हो आप लोग? माय नेम इज फसीम खान और आप देख रहे हैं खुशी ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि एनिमेशन वीडियो कैसे बनाया जाता है। सो गाइज आपने देखा कि कैसे हमने एक एनिमेट वीडियो के थ्रू एक इंट्रोडक्शन तैयार किया। आप भी इस तरीके से एक एनिमेशन इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो उसके लिए एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना होगा। एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए चार चीजों का होना इंपॉर्टेंट है। नंबर एक स्क्रिप्ट, नंबर दो स्टोरी बोर्ड, नंबर तीन कैरेक्टर, नंबर फोर वॉइस ओवर। यदि हम इन चारों चीजों को ढंग से जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी एनिमेशन वीडियो तैयार हो जाती है। यहाँ एनिमेट वीडियो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से भी की जाती है, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसमें फ्री कोस्ट, पेड वर्जन और प्रो लेवल तक के भी मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं वो एकदम फ्री एंड कोस्ट अवेलेबल है। तो गाइज, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक एनिमेट वीडियो के हम लोग विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज के क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको हमारी वीडियो की रिकमेंड मिलती रहती है। तो नो बकवास, गो टू लैपटॉप स्क्रीन। तो चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपन जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सॉफ्टवेयर फ्री कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जिनमें हम एनिमेशन बना सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि टॉप 10 में यूज लेने वाले टूल को कौन कौन से हैं, जिनमें से नंबर एक पे आता है फाउंड टूल, जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फाउंड टूल से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। और एक है एनिमेकर। एनिमेकर पे भी दोस्तों मैं एक वीडियो बना जल्द से ले आऊंगा उसको पे भी। और एक है मूवली टूल, स्टैकेज टूल एंड ओपन टूडस टूल। ऐसे काफी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जो टॉप 10 में लोग इनको काफी यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्ट, नंबर थर्ड कैरेक्टर, नंबर फोर्थ वॉइस, नंबर फोर वॉइस मेकर। यदि अपन के पास ये चारों चीजों को है तो ही हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो इन चीजों का चारों का होना जरूरी है ताकि हम एक एनिमेशन बहुत अच्छी से अपन को मिल जाती है। तो चलें दोस्तों, हम चलते हैं अब गूगल पे। और गूगल पे यदि दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना मिले, ताकि आपको हमारी वीडियो पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे हम गूगल पे आ गए हैं। अब गूगल पे हम लिखेंगे पाउंड टूल। देखो पाउंड टूल, देखो नंबर पे आ गया है। देखो मतलब काफी लोग इसको यूज करते हैं। देखो पाउंड टूल आने के बाद ऊपर लिखी हुई लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी आप पढ़ सकते हो आप इस साइट पे विजिट करने से पहले। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही क्लिक करता हूँ जो तो हमारे सामने पाउंड टूल की वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना पहले से ही साइन अप हुआ हूँ। आप साइन अप करके ही जाएं। आप यहाँ साइन अप करने के लिए गूगल या फेसबुक से भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो अपन को पाउंड टूल में क्या क्या उन्हें मिलते हैं। एनिमेशन एक्सप्लेनेशन, व्हाइट बोर्ड और नहीं जाने कितने टूल्स होते हैं देखो इसमें मिले हुए हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ये पावर टूल्स हटा। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखो काफी है ना पंपलेट्स हैं। देखो यहाँ आप देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो। और अपन ठीक है ना दोस्तों, ये हो गए। अब हमको एनिमेशन बनानी है तो हमको ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे। ब्लैंक पे क्लिक करते ही हमको हमारे कैरेक्टर शुरू हो जाते हैं, जिसमें देखो मॉडर्न व्हाइट बोर्ड और कार्टून यानी कितने आपको अपना कैरेक्टर कैसे मतलब एनिमेशन कैसे बनानी है, व्हाइट बोर्ड में बनानी है, मॉडर्न में बनानी है, कार्टून में। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ मैं अपने कार्टून में बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे एक एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पूरी तरीके से खुल चुका है। देखो यहाँ पे वाटर मार्क भी वगैरह भी आ रहे हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना पसंद करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करें। यहाँ पे टूल है, यदि आपने कोई यदि आपके पास खुद का बना हुआ बैकग्राउंड हो तो हम यहाँ डाल सकते हैं खुद का बैकग्राउंड। लेकिन यहाँ मैं एक सिंपल सा बैकग्राउंड लूंगा, प्लेन बैकग्राउंड। यहाँ मैं येलो ले लेता हूँ। लो दोस्तों यहाँ मैंने येलो ले लिया है। फिर उसके बाद वही इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैरेक्टर लाना है। देखो यहाँ पर कैरेक्टर काफी फ्री कोस्ट है, यहाँ प्रो लेवल की तक भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसका प्री लेवल खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ मैं काफी है, इनमें से कोई सा ले लेता हूँ। चलो ऑफिस ले लेता हूँ। ये लो दोस्तों, अपने हिसाब से कोई भी ले, कुछ भी ले सकते हो आप। ये लिया और यहाँ पे हेलो हेलो, यहाँ पे इंट्रक्शन बना, हम इंट्रक्शन बना रहे हैं तो हेलो ही लूंगा मैं। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो और इसको अपने हिसाब से लेंथ के हिसाब से इसे सेट कर लो। ठीक है दोस्तों, अब इसके फैक्टर देख बता देते हैं कि हमारा ये जो कैरेक्टर है, एनिमेशन है इसका, वो कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, राइट साइड से आएगा, कहाँ से आएगा। तो मैं यहाँ राइट की तरफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब देखते हैं, अब हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं तो अपना कुछ टाइटल लेंगे, तो टाइटल पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना चालू कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ हाय माय नेम, हाय, अरे यार सही हो जा, हाँ हाय माय नेम इज वसीम खान। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया कि माय नेम इज वसीम खान, हाय माय नेम इज वसीम खान, ये लिख दिया। अब इसका भी इफेक्ट कर देता हूँ कि ये कैसा चाहिए हमें, कि लिखना चाहिए कि टॉप अप आना चाहिए, कैसा आना चाहिए। यहाँ मैं लिखते हुए देखूंगा ताकि उनको लिखते हुए ऐसे काफी हैंग है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि यहाँ लिखते हुए आना चाहिए, अब यहाँ पे लिखते हुए आना चाहिए, इसलिए उसको मैंने सेट कर दिया। ठीक है अपने हिसाब से। अब यहाँ पे मैं बोर्ड लिखूंगा ताकि ना लिखा हुआ आए, तो ऐसा होना फील होना चाहिए कि बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं शेप पे जाते ही यहाँ पे बोर्ड ले लेता हूँ, कोई सा भी, काफी बोर्ड्स हैं देखो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सेट। तो दोस्तों देखो यहाँ पे काफी ये बोर्ड लेना चाहूंगा ताकि ये ना ऐसा लगे कि हम कि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ताकि अच्छा लगे इस पे प्रेफरेंस। जितना आप अपनी वीडियो एनिमेशन वीडियो को ड्रॉ करोगे वो उतना ही अच्छा होगा, थोड़ा सा आइडिया भी लगाना पड़ता है इसमें भी। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो हाय माय नेम इज सीम खान, देखो कितना परफेक्टली तरीका से ये तैयार हो गया है ना दोस्तों। अब देखो मैंने ऐसे ऐसे करते करते मैंने एक दो पंपलेट मैंने बना दी। देखो मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर देता हूँ कि ये कैसा अच्छा लगने वाला है। माय नेम इज सीम खान, देखो दोस्तों कितना ही परफेक्ट तरीका से है। और देखो मैंने दूसरा पंपलेट बनाया कि हाँ वो इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। आप करता हूँ प्ले, ये लो, मतलब अपने जा हिसाब से अपने कैरेक्टर रखे हैं वो इस वही हिसाब से परफेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद आप इसको ना, जैसे आपकी वीडियो तैयार हो जाती है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको ना डायरेक्ट आप यूट्यूब पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन यदि आप डाउनलोड करोगे तो उसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन वाटरमार्क हटा लेना यदि कोई दिक्कत आए तो। तो दोस्तों देखो मैंने अपनी वीडियो को ये यहाँ डाउनलोड भी कर लिया है कि कैसा परफेक्टली दिख रहा है ये। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्या सही लग रहा है यार। दोस्तों देखो कितना मस्त है ये, लेकिन फोटो मार्क नहीं हटा है। आप प्रीमियम खरीद लेना ताकि ये अच्छा लगे। तो दोस्तों अब तो दोस्तों हम चलते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ, मजेदार के साथ आएंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारी YouTube चैनल अच्छी लग हमारी वीडियो अच्छी लगी